ये देखिए, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पोटेंशियल है इस एरिया का। और कल प्रमुख सचिव माननीय उपराज्यपाल महोदय की ओर से निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर जो हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर में जो हमारी एक 36 बटालियन जहाँ BSF है ऑफ ट्राई पोस्ट पे, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेरिमोनियल हमारा टूरिस्ट के लिए एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा एक जॉइंट सेरेमनी जैसी रहती है वाघा बॉर्डर पे, तो वैसा एक सेरेमनी हम अपनी तरफ से अपनी साइड पर BSF कंटिंजेंट से वो एक प्रथा यहाँ पर शुरू करवा सकते हैं। साथ ही में घराना वेटलैंड है, तो अपने में ही एक अभूतपूर्व मुझे लगता है वो एक एक्सपीरियंस है, जिसमें कि माइग्रेटरी बर्ड्स, इसमें बाल्ड हेडेड गीज और कई प्रजातियों के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पर आते हैं, वो उसकी प्रवास स्थली है घराना। वहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ थे लैंड एक्विजिशन को लेकर, तो वहाँ पर भी जाकर जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ आज चर्चा हुई और सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं कि एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन घराना सेंचुरी डेवलप हो जाए। वाइल्ड लाइफ के ऑफिशल्स भी साथ में थे, BSF के ऑफिशल्स के साथ भी हमारी ब्रीफिंग हुई कैसे हम ये सुचेतगढ़ आउटपोस्ट को एक मेजर अट्रैक्शन बना सकें। साथ ही में अभी वापसी में हम लोगों ने यहाँ पर आरसपुरा शहर के बीच में जो हमारा ओल्ड रेलवे स्टेशन है वो भी देखा है, तो वहाँ पर भी टूरिज़म के ऑफिशल्स हमारे साथ हैं, वो लोग भी देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग टूरिस्टिक स्पॉट टूरिस्ट के लिए पूरे सर्किट में डेवलप कर सकें। तो मैं समझता हूँ सभी को एक्सप्लोर करने के लिए आज का ये विजिट था, और इसमें हम लोग आगे की जो फर्दर कार्रवाई है वो कंसर्न लाइफ डिपार्टमेंट से करेंगे।